होली में जब मेहमान आते हैं तो उनको मीठे के साथ में नमकीन भी दी जाती है, और नमकीन में एक चीज बहुत खास होती है, वो होती है फ्राइड काजू या मसाला काजू। मतलब असली वाले काजू नहीं, लेकिन हाँ हमारे जो काजू बनने जा रहे हैं उसके अंदर टेस्ट असली वाले काजू का आएगा। यकीन नहीं होता तो चलिए देखते हैं। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। मसाला काजू बनाने के लिए हमको चाहिए 1 कप मैदा और 1/3 कप या फिर 1/4 कप सूजी। वैसे सूजी नहीं डलती है इसके अंदर, लेकिन मैं डाल रहा हूँ क्योंकि इससे आएगा एक बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस। 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन हमेशा हाथों से रगड़ के डालें जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है नमक। यह है बेकिंग पाउडर 1/4 छोटी चम्मच। यह है कुकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जिसको कहा जाता है, ये भी 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम है। अगर आपके पास इस तरह से है तो इसको हमेशा ऐसे करके पैक करके रखें। अगर ये खुला रह गया तो इसकी जो पावर है, जो इफेक्टनेस है, वो कम हो जाएगी। हमेशा पैक करके रखें तो ये काम करेगा। रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पे काजू का इस्तेमाल किया, असली वाले काजू का इस्तेमाल किया है। अगर ये टुकड़ी काजू हैं, आप चाहें तो साबुत ले सकते हैं, तो ये लगभग हैं 10 से 12। और एक बात का ध्यान रखना, जब आप इसको क्रश करो तो इसको पहले डीप में रख दो, मतलब फ्रिज के अंदर रख दो, जिससे ठंडे हो जाएंगे। गर्मियों में थोड़ा सा अगर इसको मैश करते हैं या क्रश करते हैं तो ऑयल निकल जाता है। पाउडर नहीं बनाना हमको, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है जिससे बेलते टाइम दिक्कत आए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आप काजू क्यों डाल रहे हो, काजू तो डलता ही नहीं इसके अंदर। मैं काजू इसलिए डाल रहा हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनहांस होगा और रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा। अगर आपके पास में काजू नहीं है या काजू नहीं डालना चाहते हो तो एक चीज़ और डाल सकते हो आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हो, भुनी हुई मूंगफली, लेकिन क्रश ऐसे ही करना होगा। मतलब हल्का सा पाउडर, हल्का सा दानेदार, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो बेलते टाइम दिक्कत आएगी। ये गया हमारा काजू। पहले ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये ड्राई चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई, उसके बाद में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी के अंदर। ऑयल में डाल रहा हूँ 2 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑयल के साथ में मैदा सूजी को मिक्स कर लीजिए। इस प्रोसेस को मोइन कहा जाता है। जब आप इसको बाइंड करें तो इस तरह से बाइंड होना चाहिए। इसकी मोइन वाली प्रोसेस हो चुकी है पूरी। अब इसका डो लगाएंगे। डो इसका मीडियम सॉफ्ट रहेगा, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे डो रेडी हो चुका है और ये देखिए डो की सॉफ्टनेस। अब क्या करना है, इसको कवर करके लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ना होगा। तो यहाँ पर लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इस डो को अच्छी तरह से दोबारा स्मूथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत क्रैक चलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलते, इसलिए इसको स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी एक रोटी बेल लेंगे, हम मोटी सी रोटी बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको बेल रहे हो तो आपको पता लगना चाहिए इसमें क्रैक्स नहीं आनी चाहिए ज़्यादा, थोड़ी बहुत चलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैक का मतलब है कि आपका डो सही ढंग से नहीं सॉफ्ट हुआ है। अगर क्रैक्स आते हैं तो आप इसमें थोड़े से पानी के छींटे मार के डो को सेट कर सकते हैं। जब हम बेलते हैं तो इसकी साइड थोड़ी मोटी हो जाती है, इसलिए उसको दबा के इसको भी पतला कर लीजिए और इसको बिल्कुल ईवन कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है, इसकी मोटाई देखिए आप, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, हल्का सा मोटा होना चाहिए, क्योंकि जो काजू बनता है फ्राई होने के बाद जस्ट डबल हो जाता है, तो पतला अच्छा नहीं लगता ना। अब काटने का तरीका, या तो कोई ढक्कन ले लीजिए इस तरह से जुगाड़, या फिर कटर आते हैं छोटे छोटे से, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला कट ऐसे करके यहाँ से ये हटाया, इसके बाद में यहाँ से काटना स्टार्ट कर दीजिए, ये देखिए, और वहीं से वापस से इनको हटाते जाइए। ये बन गए हमारे आर्टिफिशियल काजू, लेकिन इसके अंदर असली में भी काजू हैं, और ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखने में। तो चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। और हाँ, ये जो डो बच जाता है इसको दोबारा से समेटना है इस तरह से और दोबारा से बनाना है। तेल यहाँ पे मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, और तेल बिल्कुल ठंडा हुआ तो ये बिल्कुल तेल को अब्सॉर्ब कर लेगी। तो करना क्या है, एक पीस आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए बबल्स आने चाहिए लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं आने चाहिए, ऐसे बबल्स आने चाहिए, ये परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे सारे डाल देते हैं अपन इसमें। वैसे आप चाहें तो इसको एक साथ ऐसे करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर लगता है या तेल के छींटे आने की संभावना है तो साइड में इस तरह से डालें ऐसे करके, तो तेल के छींटे आपके हाथ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक बार इस कढ़ाई को इस तरह से हल्का सा हिला लीजिए, जैसे जो नीचे की तरफ होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और ये धीरे धीरे करके फ्लोट होने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। ये देखिए तैरने लग गए सारे। अभी स्कीमर या झड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसकी जो बाहर की स्किन है वो हल्की सी हार्ड हो जाए, उसके बाद हम स्कीमर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तैर के सारे ऊपर आ गए हैं। तो अब क्या करना है, आप इसको टच कर सकते हो क्योंकि शेप ले लिया है ना इसने। अगर पहले टच करोगे तो इसकी जो किनारियाँ मुड़ जाएंगी, फिर काजू काजू नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। और ये देखिए अभी तो ऐसे लग रहा है ना जैसे सेम टू सेम काजू की तरह लग रहा है। ये अभी कच्चे हैं, इसको थोड़ा और फ्राई करना होगा। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं,
और लगातार इसको स्टर करना है इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे छोड़ना नहीं है इसको। होता क्या है कि जब हम इसको स्टर करते हैं इस तरह से ऊपर नीचे इसको उठाते हैं, तो ये हवा में आता है ऐसे करके, और जब हवा में आता है तो इसकी जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। बात छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है और इसका साइज जस्ट डबल हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इनके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं, तब तक इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। काजू का मसाला बनाने के लिए हमने अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 1.5 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे। अमचूर पाउडर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पुराना होगा तो खट्टा भी नहीं होगा और साथ में कड़वापन भी आएगा। गंधक वाला फ्लेवर के लिए 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच रेगुलर सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच पुदीने का पाउडर है। अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और इसको बिल्कुल पाउडर की तरह बनाना, ये देखिए पाउडर की तरह होना चाहिए। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च फ्रेश कूट के, और ये बन गया हमारा शानदार वाला मसाला। मसाले के अंदर आ जाएगा बढ़िया सा कलर, तो 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको करते हैं मिक्स। और ये देखिए शानदार मसाला रेडी हो चुका है। तो हमारे आर्टिफिशियल काजू ठंडे हो चुके हैं, इसको एक बाउल में डाल देते हैं मसाला लपेटने के लिए। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए डबल लेयर, ये डबल लेयर दिखती है ना, इसका मतलब परफेक्टली ये फ्राई हुआ है, प्रॉपर बना हुआ है। अंदर से तोड़ के दिखाता हूँ, अगर इसको मैं हाथों से ऐसे मच लूँ, पाउडर बन गया दानेदार। अब सोचिए खाने में कितना मज़ा आएगा। अब डालते हैं इसमें मसाला। अब मसाला कितना डालना है आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 2 छोटे चम्मच डाल दिए इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ये फ्राइड है और इसमें हल्की सी ऑयल की लेयर होती है। मसाला कैसे कोट हो गया अच्छी तरह से, अलग अलग नहीं है, हट नहीं रहा, इसमें बिल्कुल चिपक गया इसे। ये देखिए तैयार।